हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वंदना और आज मैं आप सबके साथ ये मेकअप लुक किस तरह से मैंने क्रिएट किया है वही शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिगनर फ्रेंडली और मैं एकदम ही प्रो नहीं हूँ, बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना थोड़ा सा पार्टी मेकअप या ब्राइड्समेड के लिए एकदम परफेक्ट लुक है ये कैसे क्रिएट करती हूँ। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने पर्पल से जो रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था एक हॉल, वही सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, तो बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो गया ये प्राइमर, बहुत ही स्मूथ सा लगा मुझे स्किन के ऊपर, बहुत अच्छा फील हुआ स्किन पे इसको लगाने के बाद। अब आती है फाउंडेशन की बारी। सो दिस इज़ द फाउंडेशन फ्रॉम द ब्रांड पर्पल। तो यहाँ से मैंने फाउंडेशन लिया था। दो मुझे ये प्रोडक्ट देखने के बाद लगा कि काफ़ी डार्क है, बट स्किन को अच्छे से मैच हो गया, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगा। तो अगर आपको आइडिया है थोड़ा सा भी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि ये कैसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं लग रहा मेरी स्किन पे, बिकॉज आप ही अच्छे से बता सकते हैं, कोई और ही देख के बता पाएगा अच्छे से। सो येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड या अभी मैं उसी को ब्लेंड कर रही हूँ, मेरे पास ब्लेंडर्स नहीं है तो मैं अपने हैंड से ही सारी ब्लेंडिंग करूँगी। अब मैं यहाँ पे लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पर्पल से ही लिया है इसी बार फर्स्ट टाइम। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ कंसीलर। तो कैसे यूज़ करना है प्रॉपर, किस किस एरियाज़ पे यूज़ करना है उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट या थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ उसको। आप ये लुक किसी भी, अगर आप किसी शादी में वेडिंग गेस्ट हैं या फिर आपकी BFF की शादी है वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। सो येस, और अगर आप बिगनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता है मेरी तरह, तो डेफिनेटली आप इस तरह का मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं भी एक फ़र्स्ट टाइमर हूँ मेकअप पे। सो या यहाँ पे मैं अपना आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। दो मैंने आई शेडो नहीं लिया था पर्पल से, ये मेरा पुराना आई शेडो है उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक लाइट पिंक सा शेड लिया था, कोरल पिंक टाइप का शेड था वो, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पिंक कलर अपनी दोनों आईलिड्स पे। अब मैं अपनी थोड़ी सी आईब्रो फिल कर रही हूँ। मुझे कभी नीड नहीं लगी आईब्रो फिल करने की, मेरी आईब्रोज वैसे ही थोड़ी सी अच्छी खासी है। सो या अभी यहाँ पे मैंने अपना ब्लश निकाला है जो मैंने पर्पल से लिया है इस बार, एंड ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया है और फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। ये स्टेक वर्की का एक डबल डेट पिंक कलर का है एंड दो पिंक के शेड्स हैं इसमें, बहुत ही प्यारे से पिंक कलर के शेड्स हैं, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, अच्छा लगा मुझे। एंड अब मैं NYBA का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अभी पर्पल से ही लिया है ये भी। सो येस, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि लगाना चाहिए या लगाते हैं वहाँ वहाँ मैंने लगा लिया हाइलाइटर। तो आप ये प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं, मेरे लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना हॉल शेयर किया है, अपना एक छोटा सा रिव्यू भी शेयर किया है आपके साथ जो मैंने प्रोडक्ट्स एक दो बार यूज़ किए थे। तो आपको सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस और सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ मैंने अपना आई लाइनर और काजल भी लगा लिया है ऑफ कैमरा, और मैं थोड़ा सा अपना कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, देन मैं अपना लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने शुगर की लिपस्टिक अप्लाई करी है बिकॉज मैंने अभी इस बार रिसेंटली पर्पल से लिपस्टिक नहीं ली थी। सो मैं अपना प्लम टाइप का शेड है ये एक लिपस्टिक का, अच्छा लगता है मुझे बहुत, बहुत ही सिंपल लगता है किसी भी ओकेजन के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा है इस टाइप का कलर। सो या ये मैंने अप्लाई किया और यस, यहाँ पे मेरा होता है मेकअप लुक कंप्लीट। मैं अपनी ज्वेलरी पहन रही हूँ, फिर मैं आपको एक ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। और अभी बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे बहुत सारे वेडिंग सीरीज़ के वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर देम एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो, ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 गिव अ थम्स अप। आई थिंक ये मेकअप लुक एकदम हल्दी, मेहंदी या संगीत के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप ये मेकअप लुक ट्राई करेंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ वंदना साहू और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू कनेक्ट विद मी देयर।
So thanks a lot for watching. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, happy shopping, happy weddings, and enjoy your day.